हेलो दोस्तों, आपके लिए एक और नया कहानी। यह कहानी शुरू होता है कानपुर के पास बसे एक छोटे से आनंदपुर नाम के गांव से। उस गांव में एक चमन नाम का आदमी रहता था और एक दिन वह अपने दोस्त से कहता है, देख अंकित भाई, तू जाकर छत पे छुप जा, गांव वाले आते ही होंगे, हम लोग उनको बेवकूफ बनाएंगे आज। तभी गांव वाले चमन के पास आने लगते हैं। चमन रोज गांव वालों को नया नया जादू दिखाकर बेवकूफ बनाता था। देखो गांव वालों, मैं आज तुमको एक और नया जादू दिखाऊंगा। मैं अपना हाथ आगे करूंगा और मेरे हाथ में एक अंडा आके गिरेगा। अंकित यह सब छत के ऊपर छुपकर देख रहा था और समय आने पर उसने अंडे को उठाकर फेंक दिया। वह अंडा सीधे चमन के हाथ में आके गिरा। यह सब देखकर गांव वाले एकदम खुश हो गए। वाह भाई, क्या जादू करता है, मजा आ गया जादू देखकर, और जादू दिखाओ। इस तरह चमन गांव वालों को बहुत बेवकूफ बनाता। एक आदमी वह अंडा लेकर चला गया। चमन मन में बोला, ये गांव वाले कितने भोले हैं और कितने नादान हैं, मेरी सब बात मान जाते हैं। देखो अंकित भाई, ये छोटा मोटा कारनामा दिखाकर कोई फायदा नहीं होने वाला, हमें कोई बड़ा चीज करना चाहिए। तभी अंकित बोलता है, हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। पास में ही एक बहुत बड़ा पेड़ है और वह अंदर से खोखला है, चलो वहाँ चलते हैं। उस लंबे और बड़े पेड़ के पास जाकर अंकित कहता है, यह पेड़ बहुत बड़ा है और अंदर से खोखला है और यह पेड़ बादलों को छूता है। उसी दिन चमन और अंकित दोनों मिलकर घर के अंदर एक सुरंग बनाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर तक खोदने के बाद अंकित और चमन दोनों उस सुरंग के अंदर कूद जाते हैं। उस सुरंग को चमन और अंकित आधा खोद चुके थे और आधा खोदना बाकी था। वह रोज उस सुरंग को खोद के उस लंबे पेड़ के पास पहुंचना चाहते थे। वह रोज सुरंग का खुदाई करते और बाद में जब बाहर जाना होता तो उसको बक्से से ढक देते, इस तरह किसी को पता नहीं लगता। कुछ दिनों बाद वह सुरंग उस पेड़ में जा मिला और उस पेड़ के अंदर वह देख के कहते हैं, हाँ यह तो वाकई खोखला है अंदर से। फिर वह उस पेड़ के अंदर होके ऊपर जाने लगते हैं और बीच बीच में बाहर देखने के लिए एक खिड़की बना देते हैं। काफी देर तक चलते चलते वह आसमान में बादलों के बीच में पहुंच जाते हैं और वहां पर जाके वह दोनों एकदम खुश हो जाते हैं और लकड़ी के सहारे वहां पर धीरे धीरे सामान लाकर घर भी बना देते हैं। वाह मजा आ गया भाई, क्या बनाया है हमने। चमन गांव वालों से बोला, गांव वालों, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा स्कीम है, तुम सब मेरे पास 2000 रुपये इकट्ठा करो और मैं तुमको फ्री में चिकन और अंडे दूंगा। अगले दिन पूरे गांव वाले अपना बकेट लेकर उसके पास आ गए और उसको 2000 रुपये दिए। देखो तुम लोगों ने अब ये 2000 रुपये जमा किया है, अब पूरे साल तुमको फ्री में बकेट भर के चिकन और अंडे मिलेंगे। चमन ने अपने कपड़े में छोटा सा एक माइक लगा रखा था, उसकी सारी बात अंकित सुन लेता था और समय आने पर ऊपर से अंडे और मुर्गी को नीचे फेंक देता। वह सभी मुर्गी और अंडे नीचे गिरने लगते हैं। उधर चमन गांव वालों को बोलता, देखो मैं तुमको जादू दिखाता हूँ। जादू दिखाते ही अंडा और मुर्गी सब गांव वालों के बकेट में आ जाता। इस तरह गांव वाले बहुत खुश होते हैं। यह बात पूरे गांव में फैल गई और धीरे धीरे लोग चमन पे विश्वास करने लगे। वह रोज लोगों को बहुत सारा चिकन और अंडा देता, उनसे एक बार 2000 रुपये लेता और साल भर फ्री में चिकन और अंडा देने का प्रॉमिस करता। गांव वाले उसकी बात में आ जाते हैं और एकदम खुश हो जाते हैं और अपने 2000 रुपये दे देते हैं।
चमन बोला, देखो गांव वालों, अगला रजिस्ट्रेशन जनवरी 1 और जनवरी 2 को खुलेगा। जो भी लेना चाहता है उसको मेरे पास भेजना। इस तरह जनवरी 1 और जनवरी 2 के समय बहुत लोगों को यह बात पता चल जाती है और लोग फ़ोन के द्वारा या फिर वहां पर आके 2,000 रुपये जमा कर देते हैं। लेकिन जनवरी 3 को वह गायब हो जाता। अंकित और चमन का कोई पता नहीं था, गांव वालों के पैसे डूब गए। देखो अंकित भाई, हमको जल्दी से इस गांव से भागना पड़ेगा। बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया हमने, अब यहां से भाग जाते हैं जल्दी। उसी गांव में एक विक्रम नाम का आदमी रहता था और उसको नई नई चीज़ें बनाने का बहुत शौक था। दिवाली के जाने के बाद उसके पास बहुत सारे पटाखे बचे थे, उनका इस्तेमाल करके वह एक दिवाली बाइक बनाता है। वह टायर की जगह चक्र वाला पटाखा लगाता है और बाइक को स्टैंड पे डाल के उन पटाखों को घुमाने लगता है। उसके बाद वह अपना बाइक लेकर गांव में घूमने लगता है। अरे वाह, इसको चला के तो मज़ा आ रहा है। उधर आसमान में बादलों के बीच में अंकित और चमन दोनों आराम कर रहे थे, तभी एक पानी से भरा बोतल नीचे गिरने लगता है। उधर विक्रम अपना दिवाली बाइक देख रहा था, तभी पानी से भरा बोतल उसके सामने आके गिरता है। वह कहता है, अरे पानी से भरा बोतल ऊपर से गिर रहा है, मुझे देखना चाहिए, कुछ गड़बड़ लग रहा है। ऐसा सोचकर वह अपना बाइक लेकर ऊपर की ओर उड़ जाता है और ऊपर घर देखकर सारी बात समझ जाता है। फिर अपने रॉकेट से उस घर के ऊपर हमला कर देता है और उस घर में आग लग जाता है। विक्रम पुलिस वालों को पूरी खबर देता है और पुलिस वाले आकर उस पेड़ को काटने लगते हैं। चमन कहता है, अरे रुको रुको, हम लोग उतर रहे हैं, तोड़ो मत इसको। इस तरह वह पकड़ा जाते हैं। सोने का शेर का बच्चा। दोस्तों, यह कहानी शुरू होता है चंदनपुर नाम के गांव से। उस गांव में एक मनीष नाम का आदमी रहता था। उसी गांव के पास एक बहुत ही घना जंगल था और उस जंगल में बहुत सारे तरह तरह के जानवर रहा करते थे। वह कभी भी इंसानों पर हमला नहीं किया करते थे। उस जंगल में एक दिन कहीं से एक जादुई सोने का पेड़ आता है। और वह सीधे जाके जंगल के बीच में रुकता है और थोड़ी देर बाद उस जादुई पेड़ के अंदर से एक शेरनी बाहर निकलती है। वह शेरनी इधर उधर देखने लगती है और थोड़ी देर बाद वह जादुई पेड़ वहां से वापस उड़कर चला जाता है। वह शेरनी कई दिनों तक उस जंगल में घूमती है और एक दिन उसको वहां पर एक शेर मिलता है। वह दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन मनीष अपने गाय और भैंस लेकर चराने के लिए जंगल की ओर निकल गया। जंगल में वह अपना गाय और भैंस चरा रहा था और घूमते घूमते थोड़ा आगे गया। वहां पर उसने देखा कि एक टूटा फूटा घर है और वहां पर शेर और शेरनी हैं और उनके दो बच्चे भी हैं। वह दोनों बच्चे एकदम सोने के बने हुए थे। यह सब देखकर मनीष सोचा, अरे ये तो सोने के बच्चे हैं, इनको किसी ने देख लिया तो इनको तो मार डालेंगे और बेच देंगे। मुझको कुछ करना चाहिए और गांव वालों को बताना चाहिए। उसी दिन शाम को सभी गांव वाले आपस में बात कर रहे थे, तभी मनीष भी वहां पर जाता है और उनसे कहने लगता है, देखो दोस्तों, हमारे गांव के पास वाले जंगल में एक शेरनी ने दो शेर के बच्चे को जन्म दिया है और वह दोनों एकदम सोने के हैं। हमें उनको बचाने के लिए शिकारियों को जाने से रोकना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए, यहाँ से बहुत सारे शिकारी आते रहते हैं। एक दिन कहीं से दो शिकारी
गाड़ी लेकर और उस पे पिंजरा रख के उस जंगल की ओर जा रहे थे। तभी गांव वाले हाथ दिखाकर उन शिकारियों को रोक लेते हैं और मनीष कहता है, देखो तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूँगा और तुम लोग जेल जाओगे। जल्दी निकलो तुम लोग यहाँ से। शिकारी बोला, देखो कब तक रोक पाओगे हम लोगों को, हम कैसे ना कैसे वहाँ चले जाएंगे। उसके बाद वह दोनों शिकारी अपना गाड़ी लेकर उस गांव से वापस जाने लगते हैं और गांव के थोड़े बाहर जाते ही वह गाड़ी रोक के बात करते हैं। मुझको लगता है उस जंगल में कोई खास चीज़ है, इसीलिए गांव वाले हमें वहां नहीं जाने दे रहे हैं, पता करो। फिर एक आदमी उनको बताता है, देखो इस जंगल में दो सोने के शेर के बच्चे हैं, लेकिन मुझको भी अपना हिस्सा चाहिए, बताओ तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ वहाँ तक जाने के लिए। शिकारियों को वापस भेजने के लिए गांव वालों ने बहुत सारे कुत्तों को छोड़ दिया था। उसी रात को वह आदमी दोनों शिकारियों से कहता है, देखो गांव की ओर से जाना बहुत मुश्किल है, वहाँ पर बहुत सारे कुत्ते हैं, मेरे पास एक और तरीका है। यहाँ पर धरती के नीचे पाइप बिछाने के लिए एक सुरंग बनाया गया था, उसकी मदद से हम लोग जा सकते हैं। उसके बाद उसी रात को वह तीनों वहाँ पर खुदाई कर देते हैं और सुरंग के अंदर कूद जाते हैं। थोड़ी देर तक चलने के बाद वह उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर वह शेर, शेरनी और उसके दो बच्चे सो रहे थे। वह सुरंग खोल के उसके अंदर से कूद कर बाहर आ जाते हैं और उसके बाद वह छुप कर उस दोनों बच्चों को उठा लेते हैं। और एक डंडा लेके उस सुरंग के अंदर उन दोनों बच्चों को दौड़ाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वह शेर और शेरनी दोनों उठ जाते हैं और चारों ओर देखते हैं, लेकिन उनके बच्चे कहीं नहीं दिखते। उसके बाद वह शेरनी कूद के उस सुरंग के अंदर चली जाती है और शेर भी दौड़ते हुए ऊपर ही जंगल में अपने बच्चों को खोजने लगता है। शेर दौड़ते हुए अपने बच्चों को चारों ओर खोजता है और गांव की ओर से जाने लगता है और शेरनी जमीन के नीचे से उन तीनों शिकारियों का पीछा करने लगती है। बहुत देर तक दौड़ने के बाद वह तीनों शिकारी शेर के बच्चों को लेकर सुरंग से बाहर आ जाते हैं। सुरंग से बाहर आते ही वह तीनों शिकारी बड़े शेर को देख के एकदम डर जाते हैं और भाग जाते हैं। उसके बाद शेरनी भी वहां पर आ जाती है। वह तीनों वापस कभी लौट के नहीं आते हैं।